बता दें पुलिस के स्टेट कैडर के अफसरों में असंतोष है। स्टेट कैडर के 4 IG हटा दिए गए हैं। रिटायरमेंट के ठीक पहले हटाए जाने पर असंतोष, स्टेट कैडर ने इसे अपमानजनक माना है। कुछ ही महीने में रिटायर होने वाले थे 4 IG। सुभाष बघेल IG झांसी पद से हटा दिए गए हैं। राजेश पांडे बरेली से हटाए गए हैं। पीयूष श्रीवास्तव IG मिर्जापुर से हटा दिए गए हैं। शिवपर्णा गांगुली को नोएडा से हटा दिया गया है। इन सभी को लखनऊ में साइड पोस्टिंग दी गई है और 35 साल स्टेट की सेवा करके IG पद पर पहुंचे थे। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, असंतोष तो होगा जब 35 साल तक काम किया और जब रिटायरमेंट का वक्त तो पद से हटा दिया जाता है। देखिए, ये सरकार का जो फैसला है ये बेहद आपत्तिजनक और गलत है जी, क्योंकि सरकार ने जिन अफसरों पर 35 साल भरोसा किया, आखिर उनमें रिटायरमेंट के समय ऐसी कौन सी कमी आ गई कि उनको हटाकर मुख्यालय में गुमनामी में रिटायर होने के लिए भेज दिया गया। जो अधिकारी राज्य की सेवा कर रहे हैं, अगर वो सम्मानजनक ढंग से अपने पद से रिटायर होते तो ये स्टेट कैडर के लिए बड़ा गौरव की बात होती और जो अधिकारी स्टेट कैडर में हैं उनका भी मनोबल ऊंचा होता, उनको प्रेरणा मिलती। लेकिन राजेश पांडे और श्री प्रणा गांगुली जैसे अधिकारी जो ईमानदारी के लिए विख्यात हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस में और स्टेट कैडर किसान हैं, ऐसे अफसरों को, राजेश पांडे बरेली में IG थे, श्री प्रणा गांगुली नोएडा में ज्वाइंट DP थी और उनका अगले महीने में रिटायरमेंट है, और सरकार के अफसरों ने कौन सी पॉलिसी बनाई कि उन्हें इस तरह से अपमानजनक ढंग से हटाया गया। पूरे कैडर में इसको लेकर चर्चा है, रोष है, वो लोग पत्र भी लिखेंगे सरकार को, लेकिन जो देखने और समझने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि ये फैसला गलत हुआ है। सरकार ने जो इतने दिन की सेवा का, उनका उनके अनुभव का सबको नजरअंदाज करके उनको हटाया है। कोई आदमी जब सेवा में रहता है और सरकार के प्रति, तो वो चाहता है कि वो अपने जीवन के अंतिम समय में सम्मानजनक ढंग से रिटायर हो। पूरी जिंदगी अपराधियों से लड़ने वाले अधिकारी राजेश पांडे वो अफसर हैं जो श्री प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर किए थे और SCF का गठन करने वाले लोग हैं कल्याण सिंह के समय में। आज उनकी इस मेहनत को दरकिनार करके उनको हटा दिया गया है फील्ड की पोस्टिंग से, ये बहुत अपमानजनक है और इसको लेकर कैडर में बहुत रोष है। यूपी पुलिस में जितने अधिकारी हैं वो ये जानते हैं कि ये गलत हुआ है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल सरकार का ये फैसला गलत है और इसको अगर ये कोई मानक बनाया जाता है तो ये मानक भी गलत है, क्योंकि सेवा के अंतिम काल में प्रमानेंट पोस्टिंग से हटा देना ये कोई तर्क नहीं है और ना ही कोई इसका सरकार को फायदा मिलना है। अगर कोई आदमी सम्मानजनक ढंग से रिटायर होता, सुभाष सिंह बघेल झांसी से, पीयूष श्रीवास्तव मिर्जापुर से, ये 4 अधिकारी स्टेट कैडर की शान है और इनके साथ ये व्यवहार उचित नहीं है, सरकार को इस फैसले पर विचार करना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो स्टेट कैडर के 4 जो अफसर हैं, इन 4 को हटा दिया गया है। इनके पद से अपमानजनक तरीके से हटाए जाने से काफी असंतोष भी है इनके अंदर। पुलिस के स्टेट कैडर के अफसरों में असंतोष है। स्टेट कैडर के 4 IG हटा दिए गए हैं। रिटायरमेंट के ठीक पहले हटाए जाने पर काफी गुस्सा, और ये ग्राफिक्स देखिए किस तरीके से सुभाष बघेल जो है वो नाराज है, राजेश पांडे अफसर ये भी नाराज है, क्योंकि इन दोनों के नाम भी शामिल है उन 4 स्टेट कैडर के अफसरों में जिन्हें हटा दिया गया है। पीयूष श्रीवास्तव अफसर ये भी नाराज है। शिवपर्णा गांगुली ये भी काफी नाराज है, और इसी के लिए अब CM को पत्र लिखने की बात कही जा रही है। PPS एसोसिएशन लिखेगा CM योगी आदित्यनाथ को पत्र, वजह क्या रही इसका हवाला देना होगा और क्यों यहां पर रिटायरमेंट के ठीक पहले हटाया गया है इसका भी यहां पर जवाब जरूर मांगा जाएगा, क्योंकि इन्हीं बातों को लेकर काफी गुस्सा।